हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और नया ब्लॉग वीडियो में आपसे फिर से स्वागत करता हूँ गाइस। तो आज चलने वाले हैं हम लोग संत तुलसीदास कॉलेज में। वहाँ से मुझे एक बार कमेंट आया हुआ था, एक वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे एक साल पहले का, तो मुझे उसमें कमेंट आया था कि एक बार और फिर से आइए कॉलेज में और आकर एक और वीडियो बनाइए कि कॉलेज थोड़ा अच्छा हो गया है अब। तो चलो भाई फिर से चलते हैं वहीं पर और चलकर देखते हैं कैसा कॉलेज है। भाई कॉलेज तो वही होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा पेंट पोचाड़ा हो गया होगा। तो चलते हैं वहीं पर चलकर और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ब्लॉग में बने रहो, चलते हैं सीधे संत तुलसीदास कॉलेज में, रेहला बी मोड़। तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं संत तुलसीदास कॉलेज के पास में, और वो था जो छोटा वाला संत तुलसीदास था 10+2 का, और ये है बड़ा वाला। तो इसके बाहर भी खड़े हैं और बाहर से भाई कुछ तरह इस तरह से व्यू दिख रहा है। तो अभी इसको बाहर से देख लेते हैं थोड़ा, और इसके बाद फिर भाई सीधे चले कर चलते हैं हम लोगों को अंदर, और अंदर चल कर देखना किस तरह से व्यू है। बाहर तो पूरा देखो खेत ही खेत है, खाली है, और आने के लिए भाई यही रास्ता भी अच्छे से नहीं है, देखो बन ही रहा है। देखो ऐसे मोरंग डाला हुआ है रोड पर, और उसके बाद अभी सीधे चल रहे हैं अंदर में, और अंदर चल कर दिखाएंगे बाउंड्री के अंदर से भी दिखाएंगे व्यू कैसा दिख रहा है। ये तो भाई जो पहले था वही था, पहले भी ऐसा ही था, बस हाँ ये गेट नहीं लगा हुआ था तो गेट भी लग गया है। भाई पिछले साल का ब्लॉग देखे होंगे आप लोग, उसमें कुछ ऐसी तरह से था, सेम है जो देखो जो मैं बताया था पहले वीडियो स्टार्ट करने के टाइम में ही, पेंट चढ़ा हुआ है बस वही है। इधर बाइक लगा हुआ है, इधर देखो फिर से बालू गिरा हुआ है। भाई काम चल रहा है, वही हो रहा है और क्या, काम चल रहा होगा इसके अंदर। तो भाई ये रहा संत तुलसीदास। बाहर में देखो स्टैचू लगा हुआ है, दो एक संत तुलसीदास का लगा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी के कर कमलों के द्वारा, चलो छोड़ो उसको। और ये देखो संत तुलसीदास महाविद्यालय गेट के पास वही लिखा हुआ है। तो अभी इसके अंदर से आकर देखो कुछ ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है भाई, जो बिल्डिंग है वो तो बिल्डिंग रहेगा ही भाई, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए। बट अभी पूरा घूम फिर लेते हैं और दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं। अभी देखो यहाँ से जो भी दिख रहा है ये है यहाँ के प्रिंसिपल का रूम, और बाहर से भाई देखो किस तरह से दिख रहा है, बाहर से बिल्डिंग जो कि बाहर नहीं बोलेंगे अपने जो है इसका बाउंड्री के अंदर में ही है, उसके अंदर से देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है और क्लास इतने सारे हैं, बट क्लास चलते वलते और भाई फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हम स्क्रीन से चढ़ के। तो यहाँ से दिख रहा है बिरला फैक्ट्री जो रेहला में है, यहीं से दिख रहा है भाई, क्योंकि भाई छत पे आ गया हूँ तो यहाँ से तो दिखेगा ही। और यहाँ ऊपर में भी है एक क्लास दो क्लास है ऊपर में भी, और उधर केबिन भी है, टीचर लोग का कुछ सामान वामान जो है रखा रहता है यहाँ। पता नहीं क्लास चलता है या नहीं चलता भाई, बट क्या किया जाए, देखो कुछ इसी तरह से है यहाँ का व्यू। बेंच तो बने हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, एग्ज़ाम टाइम में काम आता है, आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आओ कॉलेज तो करना नहीं है, एडमिशन ले लो, डिग्री मिल जाएगी, एग्ज़ाम दो। और भाई साथ में यहाँ पर बीए बीकॉम शायद, पता नहीं बीकॉम या बीएससी होता है या नहीं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, आप लोग कॉलेज जाकर पता कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से व्यू है भाई कॉलेज का। तो अब सोच रहे हैं इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह, कोई और कॉलेज, कोई और मंदिर, कहीं भी चलेंगे भाई। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब चलते हैं भाई और बनाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।